So hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy, and today we are going to start over part 2 of lesson 13, which is 3 days to see. So I have told you about this, I have shortly introduced you guys with the chapter and of course with the writer, the author Helen Keller, and now we are going to get the entire, the first and second part of this story. Ye story ka dekhiye kya hua ki sabse pehle maine introduction liya hai aur ab is story mein main aapko स्टोरी बैकग्राउंड बताऊंगी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द स्टोरी बैकग्राउंड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में है क्या कि हेलेन केलर जो है, शी इज़ अ कैरेक्टर एंड शी विश्ड फॉर 3 days. ये भगवान से 3 दिन वो मांगती हैं, बिकॉज एश शी वॉज डेफ एंड ब्लाइंड, तो वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट स्टिल शी विश्ड फॉर 3 days. वो अपनी इमेजिनेशंस में गॉड को कहती हैं कि आप मुझे 3 दिन दे दीजिए, सो दैट आई कैन सी द एंटायर वर्ल्ड. मैं मुझे 3 दिन के लिए आँखें दे दीजिए तो मैं सबको देख पाऊँ, ठीक है, और ये सब चीज़ें वो बोलती हैं. जब ये बातें होती हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ ब्लिंक होती है, क्लिक होती है, और वो चीज़ होती है कि अगर उन्हें वो 3 दिन मिल गए तो वो क्या करने वाली हैं, है ना. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट डेज एक्टिविटीज़. तो ये चीज़ यहाँ से हम पढ़ते हैं कि वो क्या कहती हैं. इफ़ आई वुड द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़. तो ये एक स्टोरी जो है वो कहा जाए तो हम लोगों की आँखें खोल देने वाला है. Means the human beings who are blessed with the eyes, who are blessed with the senses, उन लोगों को उन सेंस का यूज़ कैसे करना है, इस चीज़ के लिए भी बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है. तो हेलेन केलर कहती हैं कि ये जो, अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती तो मैं एक कोर्स ज़रूर चलाती, एक ख़ास तरीके का कोर्स चलाती, और वो कोर्स होता हाउ टू यूज़ योर आइज़, कि अपनी आँखों को कैसे यूज़ करना है. द टीचर वुड शो हिज पीपल्स हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर दैम. तो द टीचर शोज हिज पीपल्स हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर दैम. तो बताते हैं कि टीचर हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ें हमारी आँखों के सामने से पास अगर नहीं भी हुई हैं तो हम, कई बार हम पढ़ते हैं एटम बॉम्ब्स के बारे में, कई बार हम पढ़ते हैं एलाइज के बारे में, कई बार हम पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, कई बार हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी यूएफओस के बारे में, लेकिन होता क्या है कि हमने उन्हें कभी देखा नहीं होता. तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सबने नहीं देखा होता, कुछ लोगों ने नहीं देखा होता, कुछ लोगों ने देखा भी होता, तो हमने उसको देखा नहीं होता. तो ये जो है ये इमेजिनेशन है, एंड वी आर ब्लेस्ड विद द इमेजिनेटिव पावर जस्ट बिकॉज ऑफ गाइडेंस ऑफ आवर टीचर्स. हमारे टीचर हमें गाइड कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं. तो वही वो बता रही कि उनकी जो टीचर एनी सुलिवन है, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एनी सुलिवन जो है वो इनकी टीचर हैं, जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और उसके साथ साथ में वो उनको गाइड भी बहुत अच्छे से करती हैं. तो वो कह रही हैं कि उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके टीचर ने कि अगर कोई चीज़ नहीं भी देख पाओ तो उसे कैसे महसूस करना है और उसकी इज्जत कैसे करनी है, ठीक है. परहैप्स आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट बाय इमेजिनिंग व्हाट आई शुड मोस्ट लाइकली सी इफ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माय आईज से फॉर जस्ट 3 days, एंड व्हाइल आई एम इमेजिनिंग सपोजिंग यू टू कंसिडर द प्रॉब्लम हाउ वुड यू यूज़ योर आईज इफ़ यू हैड ओनली 3 more days टू सी. तो वो कह रहे हैं कि अब मैं अगर प्रेसिडेंट होती कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो मैं एक कोर्स लाती कि अपनी आँखों का यूज़ कैसे करना है, लेकिन फिर भी इफ़ आई एम गोइंग टू गिव अ चांस, अगर मुझे कभी भी चांस भगवान ऐसा दे कि मेरी जो साइट्स हैं वो 3 दिन के लिए मुझे दे दी जाएँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब खुद को महसूस करूँगी. और एंड वाइल आई एम इमेजिनिंग सपोजिंग यू टू कंसिडर द प्रॉब्लम हाउ वुड यू यूज़ योर आइज इफ़ यू हैड ओनली 3 more days टू सी हाउ वुड यू स्पेंड दोज 3 precious days. और अगर मुझे कभी भी वो 3 days भी मिले ना, तो आई वुड लाइक टू एंड आई वुड लव टू राइट द एक्सपीरियंस कि वो 3 दिन, अगर आखिरी 3 दिन आपकी ज़िंदगी के हैं जिसमें आपके पास आँखें रहने वाली हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो आई शुड वॉन्ट मोस्ट टू सी द थिंग्स विच हैव बीन डियर टू मी थ्रू माई through my ears of darkness, you too would want to let your eyes rest long on the things that are dear to you, then you could take the memory of them. अब कहते हैं कि हम
अगर हम बात करें नॉर्मल किसी इंसान की, तो आई शुड वॉन्ट मोस्ट टू सी द थिंग्स विच हैव बिकम डियर टू मी. तो वॉट शी वुड लाइक टू सी, डेफिनेटली शी वुड लाइक टू सी द डियरेस्ट थिंग्स ऑफ हर लाइफ. उनकी लाइफ के जो डियरेस्ट थिंग्स हैं वो उनको देखना चाहेगी. और साथ में यू टू वॉन्ट टू लेट योर आइज रेस्ट अलॉन्ग ऑन द थिंग्स दैट आर डियर टू यू. तो आपको भी ऐसा लगता है, वो कह रही हैं कि हम मैं तो अपने डियर वंस को देखना चाहूँगी, लेकिन आप लोग जिनके पास आँखें हैं वो अपनी आँखों को डियर समझें और उनकी केयर करें. ओके, देन यू कुड टेक द मेमोरी ऑफ देम. तो तभी उनकी मेमोरीज फिर लीजिए जो आपने उनसे देखा, विद यू इन टू द लॉन्ग राइड दैट लूम्ड अहेड. तो वो मेमोरीज अपनी आँखों में लेके रखें जब आप देखते हैं वो सीन को, वो नज़र मतलब जो दृश्य है, वो ग्लिम्सेस को, वो उनको आँखों में कैद करके रखें और फिर उसे महसूस करें. इफ़ बाय सम मिराकल आई वर ग्रांटेड जस्ट 3 days टू सी, आई शुड डिवाइड द पीरियड इन टू 3 parts. सो नाउ हेयर शी स्टार्टेड कि अगर उन्हें 3 दिन के लिए मिल जाती है बाय चांस भगवान उन्हें ब्लेसिंग दे दें कि 3 दिन के लिए उनके पास आँखें हैं, तो वो क्या क्या देखना चाहेंगी. ऑन द फर्स्ट डे आई शुड लाइक टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग. तो फर्स्ट डे जो है मैं क्या करना चाहूँगी, उन लोगों को मैं देखना चाहूँगी जिन्होंने मेरी लाइफ को जीने लायक बनाया है. द पीपल हु वर वेरी काइंड विद मी एंड देयर फ्रेंडशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग. इट मीन्स कि उनके जो भी गाइडेंस रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, उनके फ्रेंड्स रहे हैं, तो शी वुड लाइक टू सी देम. फिर फर्स्ट आई शुड गेज अलॉन्ग अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर मिसिस एनी सुलिवन मैसी. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट टीचर कि एनी सुलिवन मैसी जो हैं वो टीचर हैं इनकी, और ये कहती भी यही हैं कि मैं सबसे पहले उनका फेस देखना चाहूँगी. She came to me when I was a child and opened the outer world to me. तो वो कहती हैं कि मैं हमेशा से मैंने दुनिया को कभी महसूस नहीं किया था, दुनिया को कभी समझा नहीं था, but still जब मेरी आँखें मुझे मिली, मतलब मेरी आँखें ना होने के बावजूद जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि मैं बाकियों से भी बेहतर तरीके से दुनिया को देख सकती थी, बाकियों से भी बेहतर तरीके से लोगों को समझ सकती थी, और ब्रेल के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं ना कर पाती अगर मैं, क्योंकि मैं देख नहीं सकती और बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट स्टिल द टीचर मिसेस एनी सुलिवन मैसी मैटर्स अ लॉट टू मी, क्योंकि उनके कारण ही ये आउटर वर्ल्ड यानी ये बाहरी संसार को मैं समझ पाई हूँ. ओके, फिर क्या होता है, शी केम टू मी व्हेन आई, ओके, आई शुड लाइक टू सी इन हर आईज I should like to see in her eyes that strength of character and compassion for all which has revealed to me so often. तो और उसके साथ साथ में मैं उनकी आँखों में जो compassion है, compassion means the love she has for me. Compassion means होता है स्नेह, प्यार. ओके, तो जो compassion है मैं वो देखना चाहूँगी. और I know my friends from the feel of their faces. और मैं जानती हूँ, I know my friends from the feel of their faces. Through the thoughts they express to me and through whatever their actions reveal to me. But I am denied the deeper understanding of them that I am not sure would come through sight. तो अब वो कहती हैं कि हाँ, that's true, मैंने अपने friends को बहुत deep पढ़ा है, बहुत deep समझा है. क्यों? उनके सोल से, अपने सोल के कनेक्शन के थ्रू, जो आँखें बंद करके और बिना सुने मैं कर सकती थी, उस तरीके से मैंने उनको समझाया. येट येस, दिस वॉज ऑल्सो द नाइस वे बिकॉज आई एम अंडरस्टूड ऑफ देम किस तरीके से उनकी सोल से सोल का कनेक्शन है. उनके विचारों को समझकर मैंने उनके विचारों को समझा है, और उनसे उनके दिल को समझकर मैंने अपने दिल से उनके दिल को समझा है. मगर फिर भी If I get the chance of a chance to see them, अगर मुझे फिर भी वो चांस मिलता है कि मैं उन्हें देख सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर मैं उनको देखना चाहूँगी. I should like to call my dear friends to me on the very first day of sight. I should like to watch their eyes and faces react to expressed thoughts and events. अब क्या है, ये लास्ट में मैंने मार्क किया, वहाँ पर पढ़ रही हूँ, ठीक है. तो देखिए, आई शुड लाइक टू कॉल माई फ्रेंड्स टू मी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ साइट. तो इसीलिए, क्योंकि येस आई ऑब्जर्व्ड, येस आई लव्ड देम विद द सोल, बट स्टिल आई वॉन्ट टू सी देम, स्टिल आई वॉन्ट टू सी देयर फेसेस, स्टिल आई वॉन्ट टू सी फ्रेंडशिप इन देयर फेसेस, स्टिल आई वॉन्ट टू सी कंपेशन इन देयर फेसेस, स्टिल आई वॉन्ट टू सी लव इन देयर फेसेस. तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं देखने के लिए क्या करना चाहूँगी,
सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए मैं क्या करना चाहूँगी, उन्हें बुलाना चाहूँगी अपने पास. आई वुड लुक लॉन्ग इन टू देयर फेसेस, इम्प्रिंटिंग अपॉन माई माइंड द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ ब्यूटी विद इन दैम. आई शुड ऑल्सो लेट माई आईज रेस्ट ऑन अ बेबी. अब वो कहती हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के फेसेस पे देखना चाहूँगी उनका जो इम्प्रिंटिंग अपॉन माई माइंड द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ ब्यूटी, बाहरी खूबसूरती जो वो हमेशा देख सकते हैं उसके बारे में जब भी वो एक्सप्लेनेशन दें तो जो आँखों में एक इम्प्रिंट होता है उत्साह, जिसको कहते हैं जॉय, तो वो इम्प्रिंटेड उत्साह जो नेचुरल ब्यूटी की ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी और वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब तक क्या होता था उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं नहीं सुन पाती थी और ना मैं देख पाती थी कि उनके एक्चुअल एक्सप्रेशंस क्या हैं, राइट. लेकिन अब क्या होगा, वो चीज़ें और वो बातें मैं सुन भी पाऊँगी और अब मैं उनकी आइज़ में देख पाऊँगी कि हाउ मच दे आर ओवरवेल्म्ड विद दैट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्यूटी, राइट. तो ये चीज़ें वो कहती हैं. फिर क्या होता है, देखिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. यस, हियर लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, यहां आई शुड ऑल्सो लेट माई आईज रेस्ट ऑन अ बेबी. आप वो कहती हैं कि वही फर्स्ट डे मैं एक बेबी को भी देखना चाहूंगी, एक बच्चे को देखना चाहूंगी. आई वुड लव टू रेस्ट माई आईज ऑन अ बेबी. क्यों? I wish to see the eager, innocent beauty which precedes the awareness of the conflicts which develops later in life. तो वो कहती हैं कि मैं देखना चाहूँगी वो जो बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, तो अब कोई एक छोटा बच्चा है तो उसकी आँखों में ईगरनेस दिखती है. ईगरनेस का मतलब है कि उसके अंदर, आप लोग भी देखेंगे कि अगर कोई छोटा बच्चा हवा में हाथ जब उछालता है तो थोड़ा सा पहले एक डिस्टेंस में उछालता है, फिर थोड़े टाइम बाद बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश करता है, फिर अभी क्या होता है थोड़ा सा वो बेंड होने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है, फिर जब उसको उठना आने लग जाता है तो उसे लगता है कि बस अब मैं खड़ा भी हो जाऊँ, जब वो खड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं चलने लगूँ. तो ये जो उनके एक्शंस हैं, उस बच्चे के एक्शंस हैं, वो क्या दर्शाते हैं? वो सिंपली एक्सप्लेन करते हैं, इंडिकेट करते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो बच्चा बहुत ईगर है. इट मीन्स उसको बहुत ही ज़्यादा विलिंग है वो, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हाँ उसे एक एक करके सारी चीज़ें सीखनी है. एंड इन फैक्ट आई एडवाइस यू ऑल कि हम सब के अंदर भी वो बच्चा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ ईगरनेस अंदर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. कई बार होता है ना कि हमने कहा कल से हमें 6 बजे उठना है, ठीक है, और उसके बाद सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक अलार्म बजती रही, हम उठे नहीं, है ना. फिर ऐसा 7 दिन तक हुआ लगातार. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ईगरनेस हमारे अंदर नहीं थी, हमने एक दिन पहले यही विलिंग पावर, विल पावर जिसको कहते हैं, विल पावर ही नहीं था कि हाँ हमें करना है. तो ये एक बच्चा जब तक रहेगा तो हम नई चीज़ें सीखते रहेंगे, राइट. क्योंकि वो बच्चे का मन में होने का मतलब ये नहीं है कि हम डिसिप्लिन भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जैसी जगह हो वैसा हमारा, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए. लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि वो बच्चा आपके अंदर विलिंगनेस रखता है. विलिंगनेस मतलब ईगरनेस. सो अगर आपको ईगरनेस चाहिए, यू शुड ऑलवेज अलाइव अ चाइल्ड इन योर हार्ट, राइट. तो ये हम देखते हैं कि वो चाहती हैं कि वो जो ईगरनेस और इनोसेंस होती है उस बच्चे के फेस पे, मैं वो देखना चाहती हूँ, ठीक है. और वो जो एक उत्सुकता है कि मैं बड़ा हो कर, मैं बड़ा बढ़ना है मुझे, एक एक स्टेप बाय स्टेप ये करना है, तो ये ईगरनेस उसकी आँखों में मैं देखना चाहूँगी. और हाँ, ये ईगरनेस उनकी आँखों में देखना चाहूँगी और इनोसेंट ब्यूटी जो है वो भी देखना चाहूँगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर दिस इज़ अ हाफ ऑफ on the very busy first day. This is going to be the last explanation of para, and I'm going to cover next 2 paragraphs next 2 days in our next video lecture. So what is given here? On the very busy day, on that busy first day, I should like to look into the loyal trusting eyes of my dogs. Now ab main usi din kya aur dekhna chahungi, मेरे जो डॉग्स हैं उनकी जो ट्रस्टिंग आइज़ हैं वो मैं देखना चाहूँगी. क्योंकि डॉग्स यूजुअली हम लोग देखते हैं कि किसी और को देखता है, किसी गैर को देखता है,
पहली बार देखता है तो उन्हें भाग भोंकता है और उसके साथ साथ मुझे पकड़ने की कोशिश करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसको ये डर होता है, उसे ये पता है जो फैमिली मेम्बर साथ के हैं वो उसको परेशान नहीं करेंगे या फिर वो उसको हार्म नहीं करेंगे, बट उसको ट्रस्ट नहीं होता दूसरों के ऊपर कि वो जो है उसको कहीं पीटे ना, ऐसा उनको शंका होती है, इसी वजह से वो भोंकने लगते हैं। तो वही वो कह रही कि जो ट्रस्टिंग आइज़, जो विश्वासजनक है ना, विश्वसनीय आंखें हैं उनके डॉग की, जो वो ट्रस्ट करता है अपने मालिक पे, वो देखना चाहूँगी। आई शुड ऑल्सो वॉन्ट टू सी द सिंपल थिंग्स इन माई होम। आई वॉन्ट टू सी द वॉर्म कलर्स इन द रग्स अंडर माई फीट। आई वॉन्ट टू सी द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स। माई आई शुड वुड रिस्पेक्ट rest respectively on the books in raised type which I have read and eagerly pore over the books that seeing people read, and during the long night of my life books have built themselves into a great shining lighthouse. Books have revealed to me the deepest channels of human life and the human spirit. Okay, so now what is given him? कि अब हमें क्या करना है कि ड्यूरिंग द लॉन्ग नाइट ऑफ माय लाइफ बुक्स हैव बिल्ड देमसेल्व इनटू अ ग्रेट शाइनिंग। क्या कह रहे हैं कि हम अब मैं उसी दिन और क्या देखना चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी वो जो वॉर्म कलर्स के रग्स कारपेट्स मेरे पैर के नीचे होते हैं, फीट्स के नीचे हैं, वो देखना चाहूँगी, उनके कलर्स को देखना चाहूँगी। अच्छा, इसमें हेलेन केलर ने कलर्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू सी द कलर्स, शी इज़ नॉट एबल टू सी, तो ये एक रीज़न रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं वो कलर्स मैंने कभी नहीं देखे, एक ब्लैक कलर ही देखा है मैंने हमेशा जो मेरी आंखों के सामने छाया रहता है, तो मैं उन कलर्स को देखना चाहूँगी, अपने वॉल्स को देखना चाहूँगी, अपने वॉल पेंटिंग्स को देखना चाहूँगी, और उसके साथ साथ में जो बुक्स मैंने अभी तक पढ़ी है, जिन बुक्स पर मैं पोर ओवर हो गई हूँ, खो गई थी जिन बुक पर बुक्स में, वो देखना चाहूँगी, और जो बाकी लोग बुक्स पढ़ते हैं वो भी मैं देखना चाहूँगी। ओके, और उन बुक्स बुक्स को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया। क्यों इंपॉर्टेंस दिया है? क्योंकि बुक्स ही रही हैं उनकी बहुत बड़ी साथी, और उन्होंने काफ़ी बुक्स ने ही उनकी ज़िंदगी का एक रास्ता बनाया और बहुत ही ज़्यादा गहराई और बहुत ऊंचाई में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो इन द आफ्टरनून ऑफ दैट फर्स्ट डे आई शुड टेक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ कि अब क्या करेंगे, इन द आफ्टरनून ऑफ दैट डे, उस दिन के आफ्टरनून में, ये इन द आफ्टरनून ऑफ दैट डे आई शुड टेक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। वुड्स यहाँ पर किस चीज़ को बोला गया है? वुड्स आर फॉरेस्ट। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट डे की आफ्टरनून को मैं फॉरेस्ट में एक बार घूमकर आऊँगी, एक लॉन्ग वॉक लेकर के आऊँगी। आई वुड ट्राई डेस्परेटली टू ऑब्जर्व एब्जॉर्ब इन अ फ्यू आवर्स द वास्ट स्प्लेंडर विच इज़ कॉन्स्टेंटली अनफोल्डिंग फॉर दोज हु कैन सी। नाउ वट ही इज सेइंग कि अब मैं वो वुड्स फॉरेस्ट के लिए लॉन्ग वॉक फॉरेस्ट पे करने जाऊँगी, और मैं वो स्प्लेंडर इन द सेंस वो खूबसूरती, वो जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी खूबसूरती है, उस उल्लास को उससे महसूस करने जाऊँगी, और मैं स्प्लेंडर विच इज़ कॉन्स्टेंटली अनफोल्डिंग फॉर दोज हु कैन सी। ये अब ये चीज़ बहुत बड़ी लाइन उन्होंने बोली कि मैं वो स्प्लेंडर इन्जॉय करने जाऊँगी जो वो ह्यूमन बींग्स जिनके पास आइज है वो नोटिस ही नहीं करते, है ना। ऑन द वे होम आई वुड स्टॉप एट अ फार्म सो दैट आई माइट सी द हॉर्सेस प्लोइंग इन द फील्ड। और रास्ते में ही मैं हॉर्सेस को भी फील्ड में प्लोइंग करते देखूंगी। परहैप्स आई शुड सी ओनली अ ट्रैक्टर दैट आई शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट। और वो ये भी बताती हैं कि मैंने प्लफिंग करते हुए कभी नहीं देखा है, और शायद मैं जब छोटी थी, मतलब आंखें मेरी जाने से पहले, मैंने शायद ट्रैक्टर देखा था। तो वो ये बात बताती हैं, एंड आई शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ ए कलरफुल सनसेट। और मैं क्या करूँगी, कलरफुल सनसेट के लिए ग्लोरी यानी कलरफुल सनसेट के लिए प्रे भी करूँगी। सो when dusk had fallen I should experience the double delight of being able to see by artificial light in the night of that first day I should not be able to sleep my mind would be too full of the memories of the day। तो जब dusk had fallen, dusk का मतलब होता है शाम, ठीक है, और dawn means होता है भोर। तो क्या कहते हैं कि जब
डस्क मीन्स होता है भोर, डैन मीन्स होता है शाम. तो व्हेन डस्क हैड फॉलन आई शुड एक्सपीरियंस द डबल डिलाइट ऑफ बीइंग एबल टू सी बाय आर्टिफिशियल लाइट्स. और जब शाम होगी तब मैं देखूंगी कि किस तरीके का डिलाइटमेंट देखने को मिल रहा है. और वो शाम और सुबह का जो भोर का समय होगा वो मैं देखूंगी, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा अनुभव होगा उससे और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी. तो ये चीज़ वो कहती हैं. और आई शुड एक्सपीरियंस द डबल डिलाइट ऑफ बींग एबल टू सी बाय आर्टिफिशियल लाइट्स. अब जैसे ही रात हो जाएगी है ना, तो मुझे अभी तक क्या था, नेचुरल लाइट्स देख रही थी मैं, यानी सनलाइट के थ्रू देख रही थी, तो मुझे डिलाइटमेंट तो मिल रही थी. लेकिन जब शाम हो जाएगी तो ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, यानी घर पर जो लैम्प्स यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड लाइट्स यूज़ करते हैं, उनकी लाइट्स को भी मैं देखूंगी ना, तो मुझे डबल डिलाइटमेंट होगा, मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगी. फिर माई माइंड वुड बी टू फुल ऑफ द मेमोरीज ऑफ द डे. और रात जब होगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी और इतनी ज़्यादा मैं खुश रहूंगी कि मेरी जो मेरा जो माइंड है वो आज की मेमोरीज से भरा हुआ रहेगा और मेरे पास शायद शब्द नहीं होंगे एक्सप्लेनेशन के लिए और मैं बहुत ही खुश रहूंगी. सो इन दिस वे वी स्टडीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेसन एंड हाफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द वीडियो ऑफ दिस लेसन इन थ्री sections, right? First section is all about introduction of poet and lesson. Second section is all about outline of story and section 1, yani day 1. फिर उसके बाद हम day 2, day 3 जो है वो अपने दूसरे sections में देखेंगे. Okay?